तो अभी हम लोग देखने वाले हैं आइडेंटिटी कॉलम क्या है। आइडेंटिटी कॉलम जो है ना, वो इंट्रोड्यूस हुआ था 10.0 वाला वर्जन में। सो ये क्या होता है ना, आपका पोस्टग्रेस में वो आपको प्रोवाइड करता है एक वे ऑटोमेटिकली जनरेटेड, मतलब जो है ना यूनिक वैल्यू फॉर ईच रो, जो भी इंसर्ट होता है ना। जैसे हमारे वाले कॉलम में जो यहाँ पे था ना, मैं आपको अगर दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे स्लैश डी यूजर्स कर लेता हूँ राइट, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आईडी है ना वो ऑलवेज जनरेटेड ऑलवेज आइडेंटिटी है। तो फिर इसी की तरह जो भी है ना आपका प्राइमरी की में मेनली यूज़ होता है आइडेंटिटी कॉलम, जो है वो एक क्या करते हैं ना, एक यूनिक वैल्यू आपको मतलब देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, अगर हम लोग कर लेता हूँ यूजर्स राइट, तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो मतलब 1 2 करके ये जो भी है ना आईडी आपका, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो यही है आपका आइडेंटिटी कॉलम। तो फिर उसका सिंटेक्स हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिंटेक्स कैसे है। सो मैं अभी आपको जस्ट यहाँ पे एक ऑनलाइन मतलब जो भी है ना पोस्टग्रेस यहाँ पे वो वहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो फिर उसके लिए क्या करना है ना, आपको ऐसा करना है, क्रिएट हम लोग करने वाले हैं, फिर हम लोग क्या करना है, टेबल, जब भी हम लोग टेबल को क्रिएट करेंगे राइट, तो फिर या फिर ऑल्टर में भी कर सकते हैं सर। तो फिर मैं तो क्रिएट में ही कर लेता हूँ राइट। तो फिर रुकिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ आपका। सो ये हो गया आपका क्रिएट टेबल राइट, क्रिएट टेबल। फिर जो आपका है ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यूज़र्स, यूज़र्स को मुझे बनाना है राइट। फिर यहाँ पे मैं क्या एक ओपन ब्रैकेट देता हूँ, फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी आपको मतलब कॉलम आपको बनाना है राइट, तो फिर आईडी, आईडी में क्या करता हूँ ना मैं, यहाँ देखिए इसको क्या करता हूँ, इसका टाइप देता हूँ राइट, इंटीजर। फिर उसके बाद करता हूँ इसको क्या, मेरे को क्या क्या की है, प्राइमरी की है राइट। तो फिर यहाँ पे मैं देता हूँ प्राइमरी की। फिर उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ मैं जेनरेटेड ऑलवेज एज आइडेंटिटी, ये हो गया आपका जेनरेट ऑलवेज एज आइडेंटिटी। फिर उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ और यहाँ पे करने वाला हूँ नेम राइट, नेम वगैरह जो भी आपको मतलब देना है, दूसरा मतलब कॉलम आपको दे सकते हैं, यहाँ पे कॉमा दे के वो आपके ऊपर बात है, ऐसा आप बना सकते हैं आपका आइडेंटिटी कॉलम। फिर उसके बाद ना आप यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे आप ओपन ब्रैकेट देके ऐसे कर सकते हैं, स्टार्ट स्टार्ट विथ, यहाँ पे कर सकते हैं 1, फिर क्या कर सकते हैं उसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं राइट, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट बाय 1। ये क्या हो गया ना आपका, ये बोल रहा है क्या, जो ये वाला स्टेटमेंट है स्टार्ट विद 1, ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट मतलब आपका जो वैल्यू होगा ना वो आपको स्टार्ट होगा 1 से। अगर मान लीजिए आपको यहाँ इंस्टेड ऑफ मतलब जो भी है ना, रुकिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये 100 से स्टार्ट करना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना उसको, हम लोग यहाँ पे देंगे स्टार्ट विद 100 राइट। तो फिर 100 हम लोग कर लेंगे, रुके सॉरी 100 स्टार्ट विथ 100, तो फिर ये जब होगा वो 100 101 ऐसे जाएगा, फिर इंक्रीमेंट बाई, इंक्रीमेंट बाई यहाँ पे सॉरी इंक्रीमेंट मार्ग 1। तो फिर हम लोग अगर 1 करेंगे तो फिर क्या होगा ना, पहले वो जो रो होगा यहाँ पे ये वाला देखिए, यहाँ पे वो जो 100, फिर नेक्स्ट जो रो होगा ना जोन डो के लिए उसका आईडी क्या होगा 101 ऐसा हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज बाय फिर से हम 100 कर देते, तो फिर जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो 100 होगा, फिर सेकंड वैल्यू 200, फिर ऐसा करके वो मतलब चेंज होता रहेगा आपका। सो यही हो गया आपका आइडेंटिटी कॉलम। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पोस्टग्रेस अपसेट स्टेटमेंट।